हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम ट्रिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि छंद हमेशा हर साल पूछा जाता है, चाहे वो क्लास टेंथ हो चाहे वो क्लास ट्वेल्थ हो। तो कल भी आपका, कल चाहे टेंथ की परीक्षा हो चाहे ट्वेल्थ की परीक्षा हो, छंद तो 100% आउट वाला क्वेश्चन में आता है। तो 100% आउट का क्वेश्चन है ये छंद का। तो आपको मैं बता दूँ, ये चारों छंद में से कोई दो छंद आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो आपका चौपाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चौपाई के साथ बीच में एक अथवा लगा होगा। अथवा में आपका मान लो सोरठा लगा हुआ है। ठीक है, तो सोरठा आपका दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। ठीक है, तो सोरठा अगर आपको आता है तो सोरठा कर सकते हो, या फिर अगर आपको चौपाई आती है तो आप चौपाई कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको क्या लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। दोनों छंदों में से आपको किसी एक छंद की परिभाषा लिखनी होगी और छंद का एक उदाहरण आपको लिखना होगा। अगर आपको परिभाषा आती है, उदाहरण नहीं आता है, तो दोस्तों लिख ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे आपको लिखना अनिवार्य है। दोनों चीज़ आपको आती होनी चाहिए, दोनों चीज़ यानी कि एक तो परिभाषा, एक तो उदाहरण। तो मैं आपको बता दूँ कि छंद चार प्रकार के होते हैं। चौपाई होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है और कुंडलिया होता है। ये चारों छंद आपको तैयार कर लेने हैं। कोई दो छंद आपके आ जाएंगे कल की यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो आपको मैंने छंद की परिभाषा यहाँ पे आपके सामने दे रखी है, फिर छंद का उदाहरण यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे कि चौपाई छंद है ये वाला, तो चौपाई छंद की ये देखिए आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है और चौपाई छंद का उदाहरण यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। उसी के बाद आपका दिया हुआ दोहा, ठीक है, दोहा की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, उसके बाद दोहा का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी प्रकार हो गया। फिर उसके बाद सोरठा आपके सामने परिभाषा दी हुई है छोटी सी, और छोटा सा आपको उदाहरण यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। फिर उसी प्रकार कुंडलिया हो गया आपका, कुंडलिया की भी यहाँ पे आपको परिभाषा दी हुई है और उसी के साथ यहाँ पे उदाहरण उसका दिया गया है। तो बस आप एक काम करो, डायरेक्ट ही चले जाओ, इसका PDF दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया गया है, तुरंत जा करके बस डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10वीं और 12वीं में बहुत ही ज़्यादा 100% आउट क्वेश्चन है ये, छंद आता ही आता है। रस, छंद, अलंकार मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिएगा। तो तुरंत इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी छंद कोई ना कोई दो आ ही जाएंगे और आपके अच्छे अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए इसका PDF और कर लीजिए तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल ओम ट्रिक्स के द्वारा। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।